हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो है रिगार्डिंग एसवीडी, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। सो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के ऊपर हम एक आधे न्यूमेरिकल देखेंगे। डिकम्पोजिशन पहले तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ वो कैसे करते हैं, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, ठीक है? अपन सो इसको हम एसवीडी भी बोलते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए ट्रांस, अब अगर अपने पास में एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, तो उसका ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स हम फाइंड कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन। फिर हम इसके ऊपर हम ढूंढेंगे हमारे आइगन वैल्यूज। ओके, इस इक्वेशन से हमारे पास में आइगन वैल्यूज आ जाएंगे लैम्डा वन, लैम्डा टू और लैम्डा थ्री, ठीक है? और उनको अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिख देंगे, जो भी उनकी ऑर्डर होगा उसको अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फिर बाद में हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे एक एक, इसके लिए लैम्डा आई के लिए हम उससे एसोसिएटेड वैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है? एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री वैक्टर फाइंड कर लेंगे, ठीक है? नाउ जितने भी ये वेक्टर्स है इनको इनका ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसपोज करके, ये रो में है, वेक्टर तो रो में ही होते हैं, उसका कॉलम ले लेंगे और इसको इससे अपन एक मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है? अब इसका ऑर्थोगोनल ढूंढेंगे, ऑर्थो नॉर्मल ढूंढेंगे, जितने भी एक्स आई है उसके लिए, सबके लिए ऑर्थो नॉर्मल ढूंढेंगे हर एक एक्स आई के लिए, ठीक है? ये ऑर्थो नॉर्मल हो गया और इसको अपन v इक्वल टू वी वन, वी टू और वी थ्री की फॉर्म में लिख देंगे ऑर्थो नॉर्मल्स को। फॉर फाइंडिंग अनदर रोटेशन, अगर दूसरा रोटेशन हमें ढूंढने के लिए, u ढूंढने के लिए सेम हम u इक्वल टू यू वन, यू टू और यू थ्री ढूंढेंगे, उसके लिए यू आई इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा आई ए, जो भी ए मैट्रिक्स है उसको ए आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज ऑर्थो नॉर्मल, ठीक है? दिस इज स्मॉल यू, नॉट बिग यू, इट इज स्मॉल यू और आई कैन से दिस इज ऑर्थो नॉर्मल। सो ये सिग्मा आई आई निकालने के लिए हम लैम्डा वो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा आई कर लेंगे अपन, इससे अपने को सिग्मा आई आ जाएगा, ठीक है? और फॉर फाइंडिंग ये जिसको सिग्मा को अपन स्ट्रेचिंग भी बोल रहे हैं, स्ट्रेचिंग, ठीक है? इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन जो भी हमारा ये आएगा, ठीक है, ये आएगा उसको डी की फॉर्म में रखकर यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स बना लेंगे अपन, ठीक है? ओके, जो टू बाय इस ये बाय टू बाई टू की मैट्रिक्स है, सिग्मा होती है हमारी, जो भी हमारा वो होगा मैं एक बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर अगर टू बाय थ्री की मैट्रिक्स बनानी है तो इसके साथ में एक और एसोसिएट कर दो, सिग्मा इक्वल टू डी जीरो कर दो आप, ठीक है? तो एक और वेक्टर एसोसिएट हो गया, जीरो वेक्टर, कॉलम वेक्टर। एट लास्ट ए इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू सिग्मा वी टी, वो इस फॉर्म में डिकम्पोज हो जाएगी आपकी जो मैट्रिक्स है वो यू सिग्मा और वी टी की फॉर्म में डिकम्पोज हो जाएगी, इसे ही हम कहते हैं सिंगुलर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा आपको, ये बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू वन एंड माइनस टू, जीरो वन वन जीरो, ठीक है? सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज कर लें, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वन जीरो वन माइनस टू वन जीरो, ठीक है? अब इसका ए टी ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले इसके ट्रांसपोज और रियल मैट्रिक्स का, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी एक थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स, वो आप देखिए एक बार करके देख लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन आपके लिए आसान कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ वन जीरो वन। ओके, ये अपने निकाल लिया।
अब अपनों को निकालनी आइगन वैल्यूज, ए ट्रांसपोज ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसको जब अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई होकर अपन ये करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से पता ही है कि जब अपन इसको करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा 0 0 लैम्डा 0 0 0 0 0 लैम्डा। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा 5 माइनस लैम्डा, फिर -2 1 -2 1, सॉरी 1 माइनस लैम्डा 0 1 0 1 माइनस लैम्डा। ये जो साइन है वो डिटर्मिनेंट का साइन है, इसका डिटर्मिनेशन निकालेंगे। इक्वेशन आएगी बेसिकली, जो जो इक्वेशन आएगी उसको मैं डायरेक्टली एक वो लिखता हूँ 1 माइनस लैम्डा, और आगे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाए 5 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा -4 -1 विच इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये डायरेक्टली इक्वल टू 0 है, इससे आ गया 0 सॉरी 1। ठीक है, और ये एक इक्वेशन बनेगी, इससे जो आ रही है इस इक्वेशन से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 0 और एक आएगी 6। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप करोगे तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 6 1 एंड 0। ये लैम्डा 1 की वैल्यू हो गई, ये लैम्डा 2 की वैल्यू हो गई और लैम्डा 3 की वैल्यू हो गई। ठीक है, तीनों लैम्डास की वैल्यू आ गई। अब आप वैल्यू डाल के देखिए, केस 1 के अंदर जब लैम्डा 1 की वैल्यू 6 है अपनी ऊपर की इक्वेशन के अंदर, यहाँ पर आपको लैम्डा की वैल्यू डालनी है इस इक्वेशन के अंदर जो आपने बनाई थी मैट्रिक्स के साथ में। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू डालोगे तो क्या था, 5 माइनस लैम्डा, तो 5 माइनस 6 -2 1 -2 1 -6 और 0 1 0 1 -6। सो ये आ जाएगा इक्वल टू -1 -2 1 -2 -5 0 1 0, दिस इज इक्वल टू -5। ओके, और इससे एसोसिएटेड है एक्स वाई और जेड, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है अब इसके लिए। ठीक है, सो जब आपकी लैम्डा 1 की वैल्यू 6 है तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। तो ये आपके आपके आइगन वैल्यूज आ गई, अब इससे आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। सो क्रैमर लॉ जो रूल है आपका, उससे आप निकाल सकते हो। तो वो है एक्स, इसको न्यूट्रलाइज कर दो, इसको कर दो, मतलब इससे एसोसिएटेड ये और ये हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। इस दो से इक्वेशन बना लो, इन दो से, ठीक है, इन दो पर्टिकुलर लेयर से एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, -x = -2y + z = 0। एक इक्वेशन ये आ गई, -2x - 5y + 0। सो क्रैमर रूल कहता है कि भाई ये है, मान लीजिए आपका तो एक्स निकालना है तो एक्स के लिए ये छोड़ दीजिए और बस, और इन चारों को ले लीजिए। ठीक है, x/डिटरमिनेंट ऑफ इन चारों के कोफिशियंट को ले लीजिए, -5 1 एंड 0। वाई के साथ में माइनस आएगा ही हमेशा, -y, और इन चारों को ले लीजिए इसके कोफिशियंट, -2 1 एंड 0। फिर जेड एक्स पॉजिटिव -y, और ये फिर बाद में अगेन पॉजिटिव, -1 -2 -2 -5। इसी तरीके से आपने निकाला और आपके पास में एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5y = -2 z = 1। इसको इक्वल टू 1 रख लो और ये डिटर्मिनेंट इधर लेते जाओ तो आपके पास में एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? तो इसको हम कह देते हैं x1, इसको हम कह देते हैं x1 वेक्टर, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास में 5 -2 और 1। अब इसी तरीके से आप केस 2 लीजिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज, तो x1 आया, अब अपन को इसका ऑर्थोगोनल निकालना पड़ेगा, ऑर्थो नॉर्मल सॉरी ऑर्थो नॉर्मल जो कि अपने साथ में परपेंडिकुलर हो और जिसका खुद ही के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट आता हो वो 0 आता है। ठीक है, ठीक है, ऑर्थोगोनल खुद के साथ में परपेंडिकुलर,
और ऑर्थो नॉर्मल वो जिसका खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट जीरो आता, ऑर्थो नॉर्मल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी वन इक्वल टू एक्स वन डिवाइडेड बाय इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशनलिटी निकाल लेंगे। सॉरी, इसको अपन कहते हैं मैग्नीट्यूड निकाल कर उसको डिवाइड कर दिया, जो कि आएगा इन तीनों का स्क्वायर समेशन डिवाइडेड बाय रूट, वो सॉरी रूट ऑफ स्क्वायर समेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू एक्स वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर 25, 4 और 1 विच इज इक्वल टू 30। सो इसको डिवाइड कर दो 1/30 से हर एक कॉलम को। ठीक है, ये अपनों ने वी वन निकाल लिया, ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर हो गया बेसिकली। ठीक है, जितने भी ये वेक्टर्स हैं इनका नॉर्मलाइजेशन हो गया एक तरीके से, आप नॉर्मलाइजेशन समझ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ना, कि उसको जीरो और वन की स्केलिंग में अपन लेके जा रहे हैं, जीरो से वन की स्केलिंग में लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए अपन नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, इसको नॉर्मलाइजेशन फॉर्म ही बोलते हैं। ठीक है, सो आप 5/√30 करो तो ये भी जीरो और वन के इर्द गिर्द ही रहेंगे आपके। ठीक है, अगला जो है वो है केस टू। केस टू क्या है आपका, जब लैम्डा टू की वैल्यू वन थी, लैम्डा टू की वैल्यू जब वन थी, अब देखिए मैं डायरेक्ट आपका इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स वन एक्स टू जो वेक्टर है वो निकाल लेता हूँ, क्योंकि आप आपके पास में यहाँ से एक्स वाई और जेड तीनों ऐसे निकालने हैं, और इसको एक्स वाई और जेड यहाँ पर रख दो तो ये आ जाएगा आपका 0, 1 और 2। ठीक है, ये होगी वेक्टर टू। ठीक है, इसका भी अपने को ऑर्थोगोनल निकालना पड़ेगा, या फिर मैं नॉर्मलाइजेशन बोल दूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1/√5 0, 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जब रूट इसकी वैल्यू आई केस थ्री के अंदर 0, तो 0 जब होगा तब एक्स थ्री की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में -1, -2, 1। ठीक है, और वाई वी थ्री हो जाएगा आपका 1/√6 ऑफ -1, -2 और 1। सबसे पहले वी आ गया, आप ये सोच रहे होंगे हम वी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो ए है वो है वी सिग्मा, सॉरी वी सिग्मा यूटी की फॉर्म में, सॉरी वी नहीं है, यू सिग्मा वी ट्रांसपोज की फॉर्म में होता है। तो जब अपन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें ए ही मिलेगा वापस, तो ये इस फॉर्म में होता है। ठीक है, सो आप सबसे पहले अपनों ने वी निकाल लिया। ठीक है, सो वी को मैंने लिख दिया इस फॉर्म में v1 v2 v3। ठीक है, विच इज इक्वल टू v5/30 -2/30 1/30। ठीक है, फिर 0, फिर 1/√5 2/√5, इसी तरीके से -1/√6 -2/√6 और 1/√6, ये आ गया हमारे पास में मैट्रिक्स। ठीक है, सो इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो वी टी आ जाएगा। अब अगला जो काम है वो सिग्मा या एस निकालने का काम है, इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं और एस भी बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि ये किससे आता है, से सिग्मा इक्वल टू ये समेशन निकालना है बेसिकली हमें। सो सिग्मा इक्वल टू ये हो गया √1, इक्वल टू हो गया ये λ1 λ2, यहाँ पर λ3। इसकी वैल्यू हमारे पास में √6 है, इसकी वैल्यू हमारे पास में 1 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास में 0। ठीक है, सो 0 को हमें कंसिडर करना नहीं है, तो हम इनने हमने इस इन दोनों को कंसिडर किया, तो हमारे पास में आया σ1 0 0 σ2। लेकिन हमें जो सिग्मा चाहिए
वो चाहिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 के रेशियो में। तो हम क्या करेंगे, डी कोमा 0 कर देंगे। दो रो और 3 कॉलम चाहिए, तीसरी कॉलम हमारी 0th कॉलम हो गई, ठीक है। सो सिग्मा के लिए हमारे पास में हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू √6 0 0 1 0 0, ठीक है। ये हमारा सिग्मा हो गया। अब इसी तरीके से हम यू भी लेके आएंगे, ठीक है। यू अब शॉर्टकट तरीके से निकल जाएगा। यू आई के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है कि आप 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा आई करो, जो भी आपने ऊपर निकाला है उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, जो भी आपका वी आई है उसको, हर एक वी आई को, ठीक है। तो वी आई जो एक एक नॉर्मलाइज फॉर्म में जो वेक्टर आए थे ना, उनको ही अपनों को इससे मल्टीप्लाई करना। तो 1 अपॉन √6 1 -2 0 1 1 0, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को इन वेक्टर्स के साथ में, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, जैसे मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, सो ये देखिए 2 × 3 है और ये है 3 × 1। तो इससे जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, इससे जो मैट्रिक्स आएगी 2 × 1 फॉर्म में आएगी। सो मैं डायरेक्ट आपके लिए सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास में इसी तरीके से हमारे पास में U2 आ जाएगा। U3 नहीं आएगा क्योंकि वो तो 0 है, 1 अपॉन सिग्मा 3 की जो वैल्यू है वो तो 0 है, तो अपन U3 नहीं निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इसीलिए अपन U2 तक जाएगा। तो U2 की वैल्यू इसी तरीके से आ जाएगी 2 अपॉन √5 एंड 1 अपॉन √5। ये हमारे पास में यू आ गया, तो यू इक्वल टू U1 एंड U2 आ जाएगा अपने पास में। U3 अपन निकालेंगे नहीं इसका। अब जो अगली स्टेप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे U σ VT। अब जो यू इधर से आ गया, सिग्मा इधर से आ गया, और VT जो V अपनों ने मैट्रिक्स निकाला था वो वाला, तो ए इक्वल टू इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको ये चेक करना है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स थी, वो उस फॉर्म में आनी चाहिए अगर आपको चेक करना है। वहां पर आपको चेक करने की जरूरत नहीं, मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा। यू कितनी उसमें डायमेंशंस में है, 2 × 2 में, ठीक है। सबसे पहले 2 × 2 में, ये सिग्मा कितने में है, 2 × 3 में, और वी टी वो तो 3/3 की थी, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो भी 3/3 में, और ये कितने की थी, 2/3 की। तो अपन देखेंगे कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या 2/3 की मैट्रिक्स दे रहा है। देखिए इसमें ये चला गया, ये क्या आया, 2/3, 2/3 की एक मैट्रिक्स देगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर जो रिजल्टेंट आया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2/3 की मैट्रिक्स देगा। तो यस, इसीलिए हमें पहली और दूसरी, हमें इस तरीके से तोड़ना है कि पहली मैट्रिक्स 2/2 की हो, ठीक है, और लास्ट की मैट्रिक्स 3/3 की हो, और बीच की मैट्रिक्स सेम ऐसी की ऐसी हो, ठीक है। अगर यही मैट्रिक्स ऐसे होती 3/2 की फॉर्म में होता, तो हमें पहली मैट्रिक्स 3/3 की मिलती, लास्ट वाली मैट्रिक्स 2/2 की मिलती, और बीच वाली मैट्रिक्स मिलती है आप लोगों को 3/2 की, ठीक है। इसका जो सबसे हार्डेस्ट फॉर्म है मैट्रिक्स का, देखो यार यहाँ पर तो छोटी सी मैट्रिक्स है हमारे पास में, डेटा आएगा हमारे पास में बहुत बड़ा बड़ा, तो उसका सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करेंगे ना, छक्के छुड़ जाएंगे। ये तो आप देख के ये ना थोड़ा सा शौक हो रहे होंगे, अगर 3/3 का आएगा तो क्या होगा उसका डिकम्पोजिशन, पहली वाली 3/3 की, अगली वाली इधर वाली भी 3/3 की,
और बीच वाले भी 3 बाय 3 ही। अब आप देख लो कि जो आपके लैम्डा वन एक भी यहाँ पर जीरो नहीं होंगे, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू एक भी जगह जीरो नहीं होगी। जब जीरो नहीं होगी तो हर एक सिग्मा की वैल्यू आएगी, हर एक सिग्मा की वैल्यू आएगी तो वो यहाँ पर लग दी जाएगी, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास में इस तरीके से, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई हमारे पास में। और फिर लास्ट में हमारे पास में 3 बाय 3 की मैट्रिक्स आएगी, जो तो हमें पता ही है, ये तो वी है, वी ट्रांसपोज, ठीक है, वो तो हमें पता ही था, X1, X2, X3 जो मैट्रिक्स है उसी से आना है। ये वाली मैट्रिक्स यू वाली इसके कॉम्बिनेशन से आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा है हार्ड, मैं समझता हूँ, लेकिन यही है जो है, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।